हाय, दिस इज क्षितिज राजपूत। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और अब पूरी वर्कआउट सीरीज हम बनाने वाले हैं और आज हम वर्कआउट शोल्डर का दिखाएंगे आपको। काफ़ी लोगों ने ये क्वारीज दी जब मैं कॉम्पिटिशन खेल रहा था कि सेरू क्लासिक में आपने इतने ब्रॉड शोल्डर, इतने क्रिसमस ट्री जो आपकी बिल्ड हो रही है अलग ही, ये कैसे आपने डेवलप किए। तो मैंने सोचा कि शोल्डर और बैक का ही वर्कआउट दिखाने से अच्छा मैं ओवरऑल आपको बताऊँ कि मैंने एक एक पार्ट में आपके बारे में आपको दिखा के बता पाऊँ कि मैंने असल में अपनी बॉडी को कैसे काम किया। तो मैं कुछ आपको सिंपल ट्रिप्स एंड ट्रिक्स और थोड़े टिप्स दूंगा जिससे आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें जो रिजल्ट नहीं आ रहा, थोड़ा स्मार्ट वे को यूज़ करके आप कैसे अपनी बॉडी को और अच्छा कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट करना जो जो मैं बताऊं। मिलते हैं वर्कआउट में। बाय। और मैं आपको बताने पहले जाता हूँ, पहले शुरुआत ही वार्म अप से करते हैं कि वार्म अप में अक्सर शोल्डर के वर्कआउट में लड़के क्या गलती करते हैं। लड़के करते हैं रॉड उठा के, रॉड से वार्म अप करते हैं, छोड़ के वर्कआउट शुरू कर देते हैं। उससे आपका सीन क्या होता है कि आपके फ्रंट डेल्टॉइड वार्म अप हो गया, आपके ट्रैपीजियस मसल जो अपर ट्रैपीजियस मसल जिसे कॉलर मसल भी कहते हैं वो तो वार्म अप हो जाता है, लेकिन रियर डेल्ट और पोस्टर डेल्ट अक्सर वार्म अप ढंग से होते नहीं है। मतलब अगर पूरी तरह से मसल एक्टिविटी नहीं हुई तो वो डेवलप कैसे होगी। तो आपको क्या करना है, असल में वो रॉड की जगह आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन आप मेनली डंबल से अपना वार्म अप करें, जिससे तीन वेरिएशन के जो साइड रेज हैं, साइड रेज, वी रेजेस और रेयर डेल्ट फ्लाई मेनली करें, और फिर उसके बाद एंड में फ्रंट रेस से अपने उसको वार्म अप को एंड कर दें। जैसे चार सेट बिना विदाउट रेस्ट भी कर सकते हैं या दो सेट विदाउट रेस्ट हाई रेपिटेशन ले आगे, उससे पूरी की पूरी ओवरऑल शोल्डर मसल और ट्रैपीजियस पूरा का पूरा वार्म अप हो जाएगा, पूरा एक्टिवेट मसल हो जाएगा, तो डेवलप होगा ही होगा। तो ये है हमारा पहला वर्कआउट शोल्डर प्रेस मशीन। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप रेगुलर काफ़ी दिन से यूज़ करते आ रहे हैं, जो भी आप वर्कआउट जिससे भी आप शुरू कर रहे हैं, मिलिट्री प्रेस या साइड रेस, तो उसे बदलें और हमेशा हर दो या तीन हफ्ते में बदलते रहें। जैसे मैं लैटरल साइड रेस से काफ़ी दिन से अपना वर्कआउट शुरू कर रहा था, तो आज मैं बदलूंगा, आज मैं शोल्डर प्रेस मशीन करूंगा। या अगर मैं शोल्डर प्रेस मशीन से कर रहा था तो मैं डंबल यूज़ करता, या फिर मैं बारबल यूज़ करता। तो अपने वर्कआउट को बदलते रहें, अपने वर्कआउट को थोड़ा शौक दें, जिससे आपकी बॉडी फिर से आपके जो आप रिसेप्टर हैं वो काम करना शुरू करें। क्योंकि कई बार होता है हम रेगुलर एक ही वर्कआउट करते करते हमारा माइंड इतना थक जाता है उस चीज़ से कि वो पंप करना बंद कर देता है। तो अगर आप कोई और वर्कआउट से कर रहे हैं अगर तो आप उस दूसरा शुरू करें, अगर आप शोल्डर प्रेस मशीन कर रहे हैं तो आप लैटरल साइड रेस से शुरू करें। ये आपकी पहली टिप, करते हैं वर्कआउट शोल्डर प्रेस। तो जैसे आप शोल्डर प्रेस मशीन कर रहे हैं तो कई लड़के करते हैं कि एकदम जल्दी करना शुरू कर देते हैं। तो आपने करना क्या है कि जब आप नीचे ला रहे हो तो आपने स्लो और कंट्रोल्ड लाना है, और जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो एकदम ऊपर को फेंकना है। इससे क्या होगा कि आपकी मसल की टेंशन बढ़ेगी जो आपके मसल पे है, आप जल्दी जल्दी करेंगे और मसल को टेंशन महसूस ही नहीं होगी तो डेवलप नहीं होगी। आपको स्लो एंड स्टडी मारना है, किसी बात की जल्दी नहीं करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे वर्कआउट की तरफ जिसमें हम करेंगे सुपर सेट। पहले करेंगे अपराइट, फिर उसके बाद प्लेट से फ्रंट रेजिस, जिससे थोड़ा मसल एग्जॉस्ट हो जाएगा, मसल को पुश मिलेगा। तो इसमें आप थोड़ा सा रेस्ट पीरियड बढ़ा सकते हैं, जहाँ आप 30 सेकंड लेते हैं 45 मिनट या 1 मिनट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं। इसमें मैं मारूंगा पहले सेट में 16 रैप, तो इसमें भी मैं 16 रैप, लेकिन जब मैं इसमें ना मैं वेट बढ़ाऊंगा ना मैं अपने रैप्स को घटाऊंगा, इसमें वेट और रैप काउंट सेम रहेगा, लेकिन उसमें जैसे ग्रेजुअली मैं वेट बढ़ाता जाऊंगा तो मैं रैप्स को थोड़ा कम करता जाऊंगा। तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, मेरा ख्याल है कि आपको ही पूरा का पूरा असर देगा। बीच बीच में वर्कआउट के आपको पोज करते रहना चाहिए, इससे फायदा ये होता है कि आपका मसल माइंड कनेक्शन और अच्छा बिल्ड होता है। अगर मसल माइंड कनेक्शन और अच्छा बिल्ड होगा तो आपको वर्कआउट में और पंप मिलेगा। और दरअसल बात यह कि जब आप पोज करते हैं तो जिस भी आप मसल का पोज कर रहे हैं वहाँ पर ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है, और जो भी हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ट्रैवल करते हैं वो ब्लड के थ्रू करते हैं। जब न्यूट्रिशन वहाँ पहुँचेगा तो वो और पंप दिखेगा, और फटीग हो रहा होगा तो वो और अच्छे से डेवलप कर पाएगा, और तीसरा कि वो डेफिनेशन और अच्छी होती जाती है उस मसल की, और चौथी आपको पता चलेगी आपकी बॉडी में कमी है कहाँ। तो जब कमी पता होगी तभी तो आप उसे अच्छे से बेहतर कर पाएंगे। तो बीच बीच में पोज करते रहें, या तीसरी ट्रिप। और अब हम करने वाले हैं तीसरी एक्सरसाइज, लैटरल साइड रेज। लैटरल साइड रेज में अक्सर लड़के क्या गलती करते हैं कि पूरा का पूरा खड़े होता है और ऐसे धक्का देते हैं। हमें ऐसे नहीं करना, हमें कंट्रोल वेट मारना है पहले,
और साइड रेज और लैटरल साइड रेज में अंतर है, लोग पूरा सीधा उठाते के सोचते हैं कि वो लैटरल साइड रेज करें। लैटरल साइड रेज में आपके हल्के से हाथ बैंड होते हैं, जैसे मैंने कर रखे हैं, देखो जैसे पूरा हाथ सीधा हल्का सा मैंने बैंड कर लिया, और जब हम उसे ऊपर उठाएंगे, पहले आपको बैंड होना, फिर हम इसे ऊपर उठाएंगे, मेरी रिस्ट नीचे रहेगी और जो मेरी एल्बो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, देखो, और ऊपर जाते की तरफ पूरा का पूरा हाथ आपको ऊपर जाके खोलना है। और फिर हम चौथे सेट में मारेंगे ड्रॉप, जहाँ पे जैसे मेरा लास्ट सेट अगर 15 किलो है तो फिर मैं चौथे सेट में 15 किलो से करने के बाद तुरंत 12.5 उठाऊंगा, फिर 10, फिर 7.5, थोड़ा फेलियर हिट कराएंगे अपने मसल को ताकि वो ग्रो करे, ताकि फटीग हिट हो और जब हम डाइट वाइट लें तो रिकवर करने के बाद ग्रो करे मसल। तो अब हम अपनी कर रहे हैं चौथी एक्सरसाइज, जो हम रेयर डेल्ट के लिए एक्सरसाइज करने वाले हैं। अक्सर लड़के क्या गलती करते हैं, फ्रंट डेल्ट मिड डेल्ट भी कर लेते हैं, ट्रैपीज़ भी ट्रेन करते हैं, और अक्सर अपनी रेयर डेल्ट को भूल जाते हैं। और जो हमारा डेल्टॉइड बड़ा दिखता है वो रेयर डेल्ट की वजह से दिखता है, क्योंकि ब्रॉडनेस मिल जाती है उसे, वरना तो ये दो रहेंगे तो पीछे का ना डेवलप हो तो वो बड़ा कैसे दिखेगा। 3D-ness आएगी वो आपके ओवरऑल शोल्डर के उससे आएगी, तो आपको सारे मसल ट्रेन करने हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये दो कर दिए और छोड़ दिए। और अगर ये कम डेवलप है, आपने ज़्यादा ही बिल्कुल ही इसको छोड़ रखा था पहले, तो इसको एक दो एक्सरसाइज और ज़्यादा आप दे सकते हैं। और अक्सर लड़के जब रेयर डेल्ट फ्लाई करते हैं डंबल से तो पीछे की तरफ फेंकते हैं इसे, इसे पीछे नहीं करना, अपने हाथ को हल्का सा टिल्ट करो, थोड़ा सा बैंड हो और ऐसे मारो इसे हल्का सा, जैसे आपके हाथ किसी ने घुमा दिए हो यूँ करके, फिर ये चीज़ ये आपके पूरे रेयर डेल्ट पे पड़ेगा। ऊपर जाओ हल्का सा होल्ड करो, स्लो ले जाओ, ऊपर जाओ हल्का सा होल्ड करो, स्लो ले जाओ, ऊपर जाओ हल्का सा लेके जाओ, स्लो ले जाओ, दैट्स इट। तो अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी एक्सरसाइज की ओर, जिसमें हम करेंगे स्नक्स। फिर ये करना है 4 सेट और डेट्स इट, फिर आपका शोल्डर वर्कआउट इज डन। आप घर जाएं, प्रोटीन पिए, अपनी डाइट लें और सो जाएं। तो जब आप स्ट्रक्स कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि आप लड़के बस ये करते हैं, सोचते हैं स्ट्रक्स हो गए, लेकिन असल में करना क्या है, आपको ऊपर होल्ड करना है। आप अपने फेस को नीचे करो, हल्का सा बैंड कर लो आगे, ऊपर जाओ, कोशिश करो आपका कंधा आपके कान को टच करे। आपने कोन या बाइसेप से ऊपर नहीं उठाने, अपने शोल्डर से उसे उठाने हैं स्ट्रक्स में, और ऊपर जाके होल्ड करो, स्लो डाउन लाओ। जितना आप स्लो और कंट्रोल और स्टडी मारोगे उतना ज़्यादा आपके ट्रैपीज़ मसल पे और आपके शोल्डर पे फ़र्क पड़ेगा। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आज का वर्कआउट हो गया ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना, मेरे ख्याल से आपको भी उतनी मदद मिलेगी जितनी मेरे को मदद मिली। और आपको बस एक छोटा सा काम करना है अपने भाई के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।